टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारियां पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल संग्रह को। इसको आप स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक बेल आइकॉन आएगा, उसको क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल संग्रह। और आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं काइन मास्टर, जो कि एक वीडियो एडिटिंग ऐप है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप काइन मास्टर से वीडियो एडिट करना नहीं जानते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप वीडियो एडिटिंग करना जानते हो काइन मास्टर से, तब भी इस वीडियो को देख लीजिए, इसमें आपको कुछ चीज नया सीखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को दिखाता हूँ कि आप काइन मास्टर में किसी भी वीडियो को आसानी से कैसे एडिट कर सकते हैं। और साथ ही उसमें जैसे किसी भी वीडियो को एडिट करने के बाद उसको सेव करते हैं तो उसका फाइल साइज बहुत बड़ा होता है, जैसे फुल एचडी में मतलब 1080 या फिर 720 में सेव करते हैं तो 720 का साइज जैसे कि 200 MB का बन रहा है किसी वीडियो का, तो उस साइज को 720 में ही सेव करके हम उस साइज बस को कैसे घटा सकते हैं उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब हम अपना काइन मास्टर ओपन करेंगे तो इस तरीके से ये खुल करके सामने आएगा। उसके बाद हम अपने प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है यहाँ पर, और उसके बाद MPT प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक करना है। और उसके बाद इस तरीके से वर्क स्पेस आपका खुल करके आ जाएगा। और इसमें का जो इंटरफेस है उसको सबसे पहले मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये दोनों ऑप्शन जो है अंडू और रीडू के लिए होता है। कोई भी वर्क हम किए रहते हैं उसको नहीं करना है तब इसको क्लिक कर सकते हैं, और अगर दोबारा करवाना है तब भी इसको क्लिक कर सकते हैं। तो रीडू और अंडू के लिए काम करता है। और ये वाला जो ऑप्शन होता है ये वीडियो को शेयर करने के लिए होता है, हम अपना वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और ये वाला ऑप्शन आपका सेटिंग के लिए होता है, इसके जरिए अपने काइन मास्टर का सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। और ये वाला हमारा वर्क स्पेस जो होता है उसको छोटा या फिर बड़ा करने के लिए होता है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन मिल जाता है, इससे हम अपने वीडियो के लास्ट पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट में जाने के लिए इसको क्लिक करते हैं। और उसके बाद यहाँ मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें से अपने काइन मास्टर में हम मीडिया को इंपोर्ट कर पाएंगे। किसी भी मीडिया को, इमेज को या फिर वीडियो को इंपोर्ट करना है तो इसके जरिए इंपोर्ट कर सकते हैं। और लेयर के ऑप्शन के जरिए हम अपने वीडियो के ऊपर कोई भी इमेज या फिर कोई और वीडियो को वीडियो के ऊपर प्ले करना है तो इस लेयर का ऑप्शन को क्लिक करके उसको प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑडियो, जैसे कि हम अपने वीडियो में कोई बैकग्राउंड ऑडियो या फिर कोई भी ऑडियो जोड़ना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके ऑडियो जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर मिल जाता है आपको वॉइस का ऑप्शन, तो वॉइस के ऑप्शन को क्लिक करके आप अपने वीडियो में डायरेक्ट अपना साउंड रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। और यहाँ पर बीच में कैमरे का जो आइकॉन बना है उसको क्लिक करने के बाद हम अपना डायरेक्ट फ़ोटो खींच करके इसमें वीडियो में डाल सकते हैं, या फिर चाहें तो वीडियो रिकॉर्ड करके इसमें वीडियो डाल सकते हैं। और ये वाला जो ऑप्शन मिलेगा, इसके जरिए अपने वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं कि वो कैसा एडिट हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है, इसके जरिए हम अपने वीडियो के प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं और वीडियो को एडिट होने के बाद सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो एक एडिट करके दिखाता हूँ आप सभी को। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने में मीडिया के ऑप्शन को क्लिक करते हैं और वीडियो इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा वीडियो है, तो मैं दो तीन वीडियो इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना ये वाला वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला वीडियो इंपोर्ट किया तो ये एक वीडियो है, और चाहे तो दो तीन वीडियो इंपोर्ट करके सभी वीडियो को एक साथ कंबाइन किया जा सकता है। तो ये मेरा तीन वीडियो इंपोर्ट हो चुका है, चलिए इसको प्ले करके देखते हैं। तो मुझे यहाँ से इसको वीडियो को क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने के लिए जिस वीडियो को क्रॉप करना है तो उसको सिंपली टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पर ये नाइफ का निशान मिलेगा, उसको क्लिक कर लेना है। सबसे पहले मैं इसमें का फंक्शन अब बाकी का भी समझा देता हूँ आपको, ये खुल करके सामने आया है। तो यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हैं वीडियो को, और यहाँ से हम लोग को वीडियो को क्रॉप करना है मतलब कि एडजस्ट करना है, तो वीडियो को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं ये वाला फंक्शन से, इसको भी मैं दिखा दूंगा अभी। और इसको क्लिक करके हम अपने वीडियो का वॉल्यूम कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं,
और क्लिप ग्राफिक्स के मदद से अपने वीडियो में कोई भी ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, जिसके जरिए हम अपने वीडियो का स्पीड कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन मिलेगा, रोटेट और मिरर। तो मिरर और रोटेट के ऑप्शन को क्लिक करके हम अपने वीडियो को मिरर या फिर रोटेट कर पाएंगे। और यहाँ पर कलर फिल्टर, तो इसके जरिए हम अपने वीडियो का कलर चेंज कर पाएंगे। और यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट, इसके जरिए हम मैन्युअली भी अपने वीडियो का कलर एडजस्ट कर सकते हैं। और ये वाला जो वॉल्यूम के लिए है, और ये वाला भी वॉल्यूम ऑडियो का फिल्टर के लिए होता है। और इसको ऑन करने से हमारा वीडियो के चारों तरफ हल्का हल्का ब्लैक कलर का आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए हम अपने वीडियो को क्रॉप करते हैं। मुझे यहाँ से क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने के लिए वीडियो को टैप करना है अपने वीडियो को, और जहाँ से क्रॉप करना है वहीं पर उसको रोक करके रखना है। और उसके बाद इसको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा आ रहा है ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेड, मतलब जहाँ से प्ले हुआ है उसके राइट साइड को क्रॉप करना है। तो इसको क्लिक करेंगे, ये क्रॉप हो चुका है। और उसके बाद अपना दूसरा वीडियो प्ले करते हैं। तो मुझे ये वाला वीडियो यहाँ से क्रॉप करना है, तो इसको टैप करते हैं और फिर से इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। और यहाँ पर इस बार लेफ्ट वाले को क्रॉप करना है, तो अपने को ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट, प्ले हुए से लेफ्ट साइड को क्रॉप करने के लिए इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो इसको क्लिक करते ही क्रॉप हो चुका। अब यहाँ से ये क्रॉप हो चुका है, और इसका एंडिंग पॉइंट भी हम क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ से अपने वीडियो को फिर से क्रॉप कर लेते हैं इस ऑप्शन को क्लिक करके इस तरीके से। और उसके बाद इसका भी लास्ट पॉइंट मुझे क्रॉप करना है। और अगर आपके में क्रॉप करते नहीं बन रहा है अच्छे से, तो इस तरीके से अपने वीडियो का लेंथ, मतलब कि वीडियो को बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। डबल फिंगर का यूज करके इसको बड़ा कर सकते हैं, और इससे आसानी से आप अपने वीडियो को एग्जैक्ट जहाँ से आप क्रॉप करना चाहते हैं वहाँ से क्रॉप कर पाएंगे। तो मुझे यहाँ से इसको क्रॉप करना है, इसको इस तरीके से इसको ट्रिम कर लिया मैं। अब दिखाता हूँ एक बार प्ले करके। तो देख लीजिए मेरा वीडियो अचानक से आ जा रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हम चाहें तो ट्रांसमिशन ऐड कर सकते हैं। ट्रांसमिशन ऐड करने के लिए कोई भी दो वीडियो के बीच में जो स्थान रहता है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ट्रांसमिशन ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें ट्रांसमिशन ऐड कर लेता हूँ। तो ये वाला, इसमें बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, उसको क्लिक करते ही आपके पास बहुत सारा ऑप्शन इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। इसमें बहुत सारा 3D 2D बहुत सारा ट्रांसमिशन मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से चॉइस करके लगा सकते हैं। तो ये देख लीजिए, अब इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ आप सभी को। देख लीजिए इस तरीके से ये ओपन होने लगा है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, और इस तरीके से ट्रांसमिशन ऐड कर सकते हैं। और मुझे अब इसमें एक लेयर ऐड करना है, मेरा लोगो जो टेक्निकल संग्रह का लोगो होता है उसको ऐड करना है, ताकि मेरा वीडियो कोई कॉपी ना कर पाए। तो उसके लिए आपको सिंपल लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया के ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर और भी बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अपने वीडियो के ऊपर कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। हैंड राइटिंग, मतलब खुद के लिख के डालना है, तो ये वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। और अगर उसमें कुछ लिखना है तो इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। और अगर कुछ और ओवरली ऐड करना है, तो इसको स्टिकर वगैरह, तो इसको ऐड कर सकते हैं। और इफ़ेक्ट ऐड करना है तो इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो मुझे अभी मीडिया ऐड करना है, तो मीडिया के ऑप्शन को मैं क्लिक कर लेता हूँ। मीडिया के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद मुझे लोगो ऐड करना है, तो अपने लोगो को मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करता हूँ, और उसके बाद इसको छोटा कर लेता हूँ जैसा मुझे करना है। तो उसके लिए अपने लोगो को सिंपली एक बार क्लिक करना है, और उसके बाद इस तरीके से इसको छोटे कर सकते हैं, और उसको जहाँ पर एडजस्ट करना है एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एडजस्ट हो गया, और इसको हम बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ को क्लिक करना है इस तरीके से अपने लोगों को, इमेज को, और उसको इस तरीके से हम फैला सकते हैं। इसको मैं अपने पूरे वीडियो तक रखना चाहता हूँ, तो इसको इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ। ये देख लीजिए वीडियो के लास्ट तक आ चुका है। और उसके बाद अपने वीडियो में हम लोग को कोई भी म्यूजिक ऐड करना है, तो म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको जहाँ से ऐड करना है वहीं पर आपको जा कर के रुकना है। मैं यहाँ से ऐड करना चाहता हूँ,
तो यहाँ पर आकर के रुकता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा तो उसको क्लिक कर लेते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट बहुत सारा काइन मास्टर का भी ऑडियो मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं अपना मैनुअल करना चाहता हूँ। मेरे पास एक ऑडियो है तो इस तरीके से इसको क्लिक करना है, ऑडियो को फोल्डर में जाना है उसके बाद, और इसको प्ले करके भी यहाँ से देख सकते हैं, ये देख लीजिए। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, सिंपली ऐड करने के बाद प्ले करके देखते हैं अपना वीडियो। तो ऑडियो बहुत ज़्यादा लग रहा है अभी, तो ऑडियो का वॉल्यूम कम करने के लिए ऑडियो को एक बार क्लिक करना है। किसी भी इमेज या फिर वीडियो या फिर जो भी चीज़ हो यहाँ पर, इसमें अगर कोई ऑप्शन चाहिए तो उसको एक बार टैप करना होता है। तो ऑडियो को मैं टैप कर लिया और उसके बाद यहाँ पर साउंड का ऑप्शन मिल गया तो उसको क्लिक कर लेते हैं और साउंड जो 100% है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको 10% तक अभी करता हूँ ताकि मेरा आवाज़ अच्छे से आ सके। और अब वीडियो प्ले करके देखते हैं। देख लीजिए आवाज़ बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मेरा आवाज़ अच्छा है और वॉल्यूम ऑडियो जो है मतलब कि म्यूजिक वो बैकग्राउंड में चलने लगा है। और उसके बाद मुझे मेरा इमेज जो है बड़ा दिखाई दे रहा है तो उसको क्रॉप करना है, तो एक बार फिर से अपने वीडियो पे टैप करते हैं और उसको क्रॉप कर लेता हूँ। तो इसको इस तरीके से जूम कर सकते हैं हम दो उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए, ये देख लीजिए ये हो गया। और यहाँ से अगर आप चाहें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों इसी तरीके से रहे जैसे आप किए हैं तो यहाँ पर इक्वल के निशान को आपको क्लिक करना होता है, नहीं तो ये वीडियो धीरे धीरे करके लास्ट पॉइंट तक आते आते अपने एक्चुअल पॉइंट एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद हम अपने राइट पे क्लिक कर लेंगे। अब प्ले करके देखते हैं। देख लीजिए वीडियो बहुत अच्छे से एडिट भी हो चुका है और इसी तरीके से आप अपने में लेयर ऐड कर सकते हैं। और एक बात और है, क्रोमा की अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी मैं आपको दिखाई देता हूं। तो उसके लिए फिर से आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और जो ग्रीन स्क्रीन में आप वीडियो रिकॉर्ड किए रहेंगे क्रोमा की वाला, उसको आपको सिंपली ऐड कर लेना है और जहाँ से आप करना चाहते हैं वहीं से उसको ले करके जाना है और उसको टैप करके इसको एडजस्ट कर लीजिए अपना जो वीडियो है जैसा आप रखना चाहते हैं। तो ये वीडियो एडजस्ट हो चुका है और उसके बाद इसको टैप करना है और यहाँ ऑप्शन में नीचे की ओर आओगे तो क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक कर लेना है और इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करते ही देख लीजिए ग्रीन स्क्रीन जो था वो बिल्कुल गायब हो चुका है और जो टेक्स्ट में लिखा हुआ था ग्रीन स्क्रीन में वो अभी भी है। और इसको यहाँ से आप चाहें तो एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से ग्रीन स्क्रीन को, तो इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आपका ग्रीन स्क्रीन अच्छा से रिमूव नहीं हुआ है तो इसकी मदद से आप अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है। अब चलिए अपना वीडियो प्ले करके देखते हैं। देख लीजिए ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है, मेरा लोगो भी यहाँ पर ओवरली आ चुका है और मेरा वीडियो भी चल रहा है। तो इस तरीके से आसानी से आप काइनमास्टर में अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं और इसमें बहुत सारा और भी फंक्शन है जिसको मैं नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ फंक्शन आप अपने से ट्राई भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करके देखते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इसको। तो एक्सपोर्ट करने के लिए ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना होता है, तो इसको क्लिक कर लीजिए और उसके बाद आपका वीडियो इस तरीके से आ जाएगा, उसको क्लिक कर लीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आ रहा है, शेयर के ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है। शेयर के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव टू गैलरी का ऑप्शन आएगा, तो सेव टू गैलरी क्लिक कर लेना है। और दोस्तों उसके बाद ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इसमें HD में जो दिखाई दे रहा है 149 MB का बन करके आएगा, फुल HD में भी 83 MB का बन करके आ रहा है ये वीडियो जो है। तो इसको फुल HD में करते हुए भी हम 83 MB को कैसे कम कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट जो दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करना है और चेंज बिट रेट पर क्लिक करना है। और ये देख लीजिए यहाँ पर फुल HD जो है अगर बिट रेट को बढ़ाते हैं तो इसका साइज़ ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ से बिट रेट को हम लोग को जितना हो सके कम रख देंगे तो हम लोग का वीडियो फुल HD में ही एक्सपोर्ट होगा, वीडियो का क्वालिटी भी सेम टू सेम होगा, बस इसका जो बिट रेट है वो 3 MB/s है, तो जितना साइज रहेगा उस हिसाब से 3 MB/s का लगेगा, तो 31 MB का हो रहा है ये। तो इस तरीके से इसका MB हम कम कर सकते हैं, साइज़ लो रहेगा, वीडियो का क्वालिटी सेम रहेगा। तो राइट क्लिक करते हैं, अब हम अपने वीडियो को फुल HD में ही एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो इसको क्लिक करना है। अब ये एक्सपोर्ट होने लगा, थोड़ा ही टाइम में हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा।
तो हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो गया है लगभग, ये एक्सपोर्ट हो चुका है। अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो प्ले करने के लिए ऑप्शन है टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारियां पाएं। ये देख लीजिए इस तरीके से प्ले हो रहा है हमारा वीडियो। ये देख पा रहे होंगे ये जो क्रोमा की ऐड किया था वो भी चल रहा है और यहाँ पर लोगो भी आ चुका है और बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है, आप सुन पा रहे होंगे। अगर आप काइन मास्टर से वीडियो एडिट करना नहीं जानते तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से काइन मास्टर को उपयोग कर सकते हैं और अपने से ट्राई करके और भी बहुत सारे फंक्शन को यूज कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू।